कहाँ जाना, हम ना उसके पूरे अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचे, तो आखिरकार हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर व्लॉग चैनल। आई होप आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से, आ गए एक नए व्लॉग के साथ। तो आज भाई मैं सीन नहीं सिर्फ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ज़बरदस्त एक हिडन वाटरफॉल है मैं वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ हैदराबाद में। ख़ास तौर पे एक ऐसा वाटरफॉल है जो अभी तक हिडन में था, मैं पूरा फुल्ली बताऊँगा आप लोगों को। सब कुछ रेडी है, दोस्त भी रेडी है, आप सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ वाटरफॉल की तरफ। तो अभी जस्ट वाटरफॉल के तरफ पहुँचे, अभी अंदर जाना है, रास्ता थोड़ा सही नहीं है, आवाज़ आ रही होंगी आप लोगों को। हाँ, मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही, तो वो साइड है। भाई अभी पहुँचे हम ना वाटरफॉल को, रास्ता जो है ना मालूम ही नहीं हो रहा था कहाँ जाने, हम ना उसके पूरे अपोजिट डायरेक्शन में पहुँचे। ये देखो भाई यहीं से ही रास्ता, तो थोड़ा संभल के जाना है। ये देखो अब देख के तो ऐसा जाना है, जंगल जंगल एरिया पूरा। आप लोग, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई आओ भाई, क्योंकि रास्ता थोड़ा वो है। हाँ बच्चे तो आ जाओ, लेकिन फैमिली के साथ ऐसा कुछ आने ट्राई मत करो, थोड़ा अजीब रास्ता है देख के। तो झाड़े तुमने ऐसा झुक के आ रहे हैं समझो। तो वाटरफॉल के हम करीबी है, अरे थोड़ा देख के। हाय हाय हाय, क्या व्यू है भाई। तो आखिरकार हम आ चुके हैं वाटरफॉल। भाई पब्लिक भी दबा के गए भाई, तुम ढकल लिया आ रहे मेरे को, बहुत जबरदस्त सीन है, व्यू तो प्यारा प्यारा है। इसका रूट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि मैप में जो है ना अत्तापुर वाटरफॉल नको मारो, इसका जो है ना कुछ दूसरा डारा में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लोकेशन सेंड करता हूँ। थोड़ा खंडने की जगह नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोग को, हम ना जो है ना वो साइड निकल गए, वो साइड चले गए थे हम ना, असल लोकेशन इसका बहुत फिर के, अगर हम वो साइड चले गए ना तो अपन को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, वहाँ से अपोजिट आने में बहुत टाइम लगता और बहुत टाइम गया हम लोगों का, तो थोड़ा पहले निकला करें। और टाइमिंग भी जो है ना 6 बजे, टाइमिंग भी 6 बजे तक ही है, उसके बाद फिर क्या चल। जबरदस्त भी है, बहुत ज़बरदस्त भी है, दिखने में वाटरफॉल जो है ना एकदम छोटा दिख रहा, लेकिन अगर हम सामने से देखिए ना तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वर्थिट है आके, मतलब। और अंदर जाएंगे, ओके हाईवे वाटरफॉल है जो अभी भी बंद है, वहाँ पुलिस वाले तो वहाँ मत जाओ, खाली खाली टाइम वेस्ट है वो अपना, यहाँ आ जाओ उसके बेहतर। ज़बरदस्त व्यू भी है और देखिए नज़ारा भी बहुत ज़बरदस्त है, ये चारों तरफ का नज़ारा है यहाँ का। तो मैं जितना बताऊं उतना कम है समझो भाई, ये मैं जितना बताऊं उतना कम है यहाँ का। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है आज का दिन, तो
गिरा के बोलता वाटरफॉल, और मैं वाटरफॉल एक बार भी नहीं गया, इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ का, और कुछ भी नहीं, एकदम एक वाइब है यहाँ, एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन, उतना प्यारा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, उतना लोकेशन प्यारा है यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त व्यू भी है, और जो है ना, और दोस्तों के साथ आओ ज़्यादातौर पर, अकेले मत आने की कोशिश करो, दोस्त रह करे तो मज़ा आती है, और क्या, दोस्तों के साथ रह के इंजॉय करना ट्रिप करना, और यहाँ फिशिंग के लिए भी है, मतलब फिशिंग कर रहे हैं यहाँ तकरीबन जने, फिशिंग के लिए बैठे तकरीबन जने फिशिंग कर रहे हैं यहाँ, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ, मतलब ट्राई कर सकते हो, ज़बरदस्त है। भाई यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है, चढ़ना चढ़ना भाई, बहुत मजा आ गया आज तो ना, है थोड़ा चढ़ना करना है और थोड़ा देख के आना पड़ता, क्योंकि यहाँ भी जो है ना सांपा भी निकले, यहाँ सांपा भी निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, बच्चे भी है सांपों के, बड़े भी है, तो ज़बरदस्त व्यू भी है भाई, व्यू के वास्ते आया असल में यहाँ, अपन भी कहा ऐसे सीधा एक्सप्लोर, हैदराबाद में ही है ये पूरा, ये हैदराबाद में अपने पास ऐसा वाटरफॉल है, अपन दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही ना आप लोगों को, मेरी थोड़ा मैं दूर हट जाता हूँ, ठीक है ना, हम ना असल प्लान डाले हम ना सुबह 8 बजे जाएंगे बोल के, लेकिन हैदराबाद में भाई कितना भी तुम कोशिश कर लो, कोई एक ना एक जहरा तो बंदा टाइम पे नहीं उठता, मोहम्मद अली फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गया था, जिसकी वजह से लेट होगा। अब हम ना उठे 1-2 बजे के टाइम पे, 1-2 बजे के टाइम पे फिर जब उठे, उठ के जो है ना फिर क्या बोलते कॉल करे, फिर डिस्कस करे, तो फिर जब हम ना आए, अब हम ना आए लेकिन लोकेशन तो कहीं और की डल गई, पीछे की साइड की डल गई, ये कुछ पीछे जालियाँ लगे हुए हैं वो साइड की डल गई, और वो साइड से इधर आने के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो फिर हम लोग फिर क्या, फिर हम लोग जो है ना ये मतलब तकरीबन 3 किलोमीटर राउंड फिर के आना पड़ा। तो मैं अगर आप लोगों को आना है बॉयज़ को या गर्ल्स को, मतलब बेहतर ये कि मत आओ, क्योंकि पब्लिक भी बहुत है, और जितने भी पत्थर है ना, मतलब ये बड़े बड़े स्टोन जितने भी है, पूरी स्लीपी है, पूरे स्लीपी है, अगर फिसल गए तो थोड़ा रिस्की है, तो बॉयज़ ही आओ और फ्रेंड्स के साथ आओ, ताकि हेल्प हो सकती थोड़ा, जैसे अब यहाँ पानी का प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से गिर रहे थे बहुत जने गिर रहे, तो हम लोग अभी वहीं से आए, लेकिन आप लोग जो है ना थोड़ा फ्रेंड सर्कल के साथ, ज़्यादा जनों के साथ आओ, मज़ा और आती है आप लोगों को, तो अभी थोड़ा इन्जॉयमेंट करेंगे, थोड़ा पानी में गई है। हम जा रहे हैं ऊपर फिर मोहम्मद अली के पास, जो बहुत खाली बैठा है, आओ बोले तो नहीं आया भाई, आओ बोले तो नहीं आया। अभी और एक साइड जा रहे हैं सब लोग, जो असल वाटरफॉल में भीग सकते हैं, अगर मतलब जाना है आपको तो रास्ता थोड़ा डेंजर है, थोड़ा स्लीपी भी है, दे भाई शिप देख के जरा, यहाँ हमारे मोहम्मद पे गुस्से में देखो इधर उधर देख लेते हैं कड़ा, तो मालूम भी नहीं भाई, कुछ भी बोलो भाई, बहुत मजा आई, चल अब सीधा मोहम्मद के नहीं जाएंगे वो साइड, ये वाटरफॉल के ऊपर है ना, ऊपर की साइड है, यहाँ थोड़ी जगह है साइड से आने के लिए, ये देखो ये साइड से जगह आने के लिए, तो बस यहाँ है वाटरफॉल के करीब है, भाई ज़बरदस्त है, थोड़ा जगह भी डेंजरस है, पुलिस वुलिस वालों का मसला भी रहता, बोल रहे थे यहाँ के तो का थोड़ा अलर्ट रह गया, आना पड़ता टाइम निकाल के, तो भाई अब रिटर्न हो रहे हैं,
होगा अपना इंजॉयमेंट होगा। पानी में नहीं गए, पानी थोड़ा ख़राब था, मच्छियों की वो आ रही थी, अब कहाँ जाएंगे, कपड़े ख़राब, इसलिए नहीं गए। तो बस अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और कैसा लगा ये वाटरफॉल कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट और भी हम बहुत जगह जाने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।